नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रसैनी और आप देख रहे हैं दिल्ली 99। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद देश के सामने कई रक्षा चुनौतियां हैं और उन चुनौतियों से निपटने के लिए रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण थल सेना, वायुसेना, नौसेना प्रमुख के साथ साथ 42 देशों में तैनात भारत के डिफेंस अटैची के अधिकारियों के साथ आज एक अहम बैठक होने जा रही है। आपको बता दें, ये अहम बैठक 2 दिन तक चलेगी, जिसमें पाकिस्तान को लेकर कोई अहम रणनीति बनाई जा सकती है। आपको बता दें, डिफेंस अटैची विदेश में भारतीय दूतावास से जुड़े वो अधिकारी होते हैं जो डिफेंस से जुड़े मामलों को देखते हैं, और ये बैठक 2 दिन तक चलने जा रही है, जिसमें ये माना जा रहा है कि कोई अहम और एक बड़ी रणनीति बनाई जा सकती है। डिफेंस अटैची का 2 दिन तक चलने वाला ये कॉन्क्लेव ऐसे वक्त पर होने जा रहा है, ऐसे वक्त पर ये बैठक हो रही है जब देश में एक बड़ा आतंकी हमला हुआ है, और इसको लेकर ये माना जा रहा है कि डिफेंस से जुड़े तमाम मुद्दों का जिक्र इस बैठक में होगा। लेकिन सबसे अहम मुद्दा, या कहें सबसे अहम चर्चा जिस पर होगी, वो पुलवामा अटैक होगा। जिस तरीके से CRPF की बस पर हमला किया गया और 40 जवान हमारे शहीद हुए, उसको लेकर रक्षा के क्षेत्र में जिस तरीके से तमाम सवाल अब खड़े हो रहे हैं कि आखिर किस तरीके से देश की सुरक्षा बढ़ाई जाए और साथ ही आतंकवादियों से बदला लिया जाए, इसको लेकर तमाम तरह की बातें देश में चल रही हैं। लेकिन इसी बीच ये 2 दिन की बैठक डिफेंस अटैची के साथ रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण और साथ ही तीनों सेना के प्रमुख की होने जा रही है, तो एक बड़ी और अहम बैठक ये मानी जा रही है। हालांकि इस पूरे हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देश की सेना को खुले तौर पर छूट दे दी है कि वो अपने तरीके से आतंकवादियों से निपटे और साथ ही इस पूरे हमले का बदला ले। वहीं एक सैन्य अधिकारी ने बताया है कि बैठक में पाकिस्तान सीमा पर हालात समेत तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। इसके अलावा सरकार कुछ अहम सुरक्षा चुनौतियों को लेकर डिफेंस अटैची से फीडबैक लेगी। खबरों की माने तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान में तैनात भारत के डिफेंस अटैची भी इस कॉन्क्लेव में शिरकत करेंगे। साथ ही इस कॉन्क्लेव में भारत चीन सीमा की स्थिति के साथ साथ भारत के पड़ोस से जुड़े भू रणनीतिक मुद्दों पर भी चर्चा होगी। हालांकि अभी ये सिर्फ खबरें हैं कि इन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा हो सकती है, लेकिन ये जो बैठक है ये 2 दिन तक चलने जा रही है और उसके बाद ही देखना होगा कि आखिर रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण और साथ ही डिफेंस अटैची का क्या फीडबैक इस मुद्दे पर, इस मामले पर मिलता है और क्या कुछ कदम आने वाले वक्त में उठाए जाते हैं, ये सब इस बैठक के बाद ही साफ हो पाएगा। और अधिक खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें दिल्ली 99।